हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमारा पाठ 11 समाप्त हुआ था। आज हमारा पाठ है पाठ 12, शेरू ने ढूंढी गेंद। आइए बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 12, शेरू ने ढूंढी गेंद। तो बच्चों, ये क्या है? ये एक नाटक है। आइए नाटक का परिचय पढ़ते हैं। इस नाटक के माध्यम से बताया गया है कि पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे होते हैं। वे भी सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हैं। उनके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ एक नाटक बताया गया है। उसमें क्या बताया है कि जैसे हमें भूख लगती है, हमें दर्द होता है, हम प्यार करते हैं, ऐसी पशु पक्षी को भी प्यार भी करते हैं। वो भूखे भी होते हैं प्यार के। उनको सुख में सुख भी होता है और दुख में दुख भी होता है। तो आइए बच्चों, इस नाटक को अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। मम्मी रसोई में खाना बनाने जुटी हैं। इतने में 7 बरस का नटखट पप्पू दौड़ता हुआ आता है। चेहरे पर भोलापन और चंचलता, शर्ट और निक्कर पहने हुए है। पीछे से आकर वह मम्मी के गर्दन से लटक जाता है। फिर बड़ी ही मीठी मनुहार करते हुए अपनी बात कहता है। जैसे बच्चों, आपको पता है, एक बच्चा होता है, मम्मी काम कर रही होती है, पीछे से बच्चा आके यूं करके लटक जाता है और प्यारी सी बात कहना शुरू करता है। आइए बच्चों, देखते हैं इस नाटक को। पप्पू: मम्मी मम्मी, जरा 5 रुपए जल्दी देना, एकदम जल्दी। मम्मी: अच्छा, पर बताओ तो सही, ये 5 रुपए किस नेक काम में खर्च होंगे? देखते हैं पप्पू क्या कहता है। पप्पू कहता है, मम्मी मम्मी, असल में बात यह है कि गेंद, मुझे गेंद लानी है। मम्मी: ओहो, 5 रुपए में तो तुम परसों भी ले गए थे गेंद खरीदने के लिए, कहाँ गई वो गेंद? पप्पू सिर पटाकर, वह तो खो गई, गुड्डन के साथ ठप्पे खेलने का खेल खेल रहा था, गेंद झाड़ियों में चली गई, फिर मिली ही नहीं। बच्चों, हमें हमेशा सबके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। अब बच्चों आगे देखते हैं, मम्मी क्या कहती हैं। मम्मी कहती हैं, बनावटी गुस्से से, तो फिर रोज रोज कहाँ से लाऊं तुम्हारी गेंद के लिए? जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पप्पू पप्पू क्या कहता है, मम्मी के चेहरे को नन्ही सी हथेलियों से छूकर, बस मम्मी, सिर्फ एक बार मैं गेंद खूब संभाल कर रखूंगा। अब मम्मी क्या कहती है, देखो, खींच कर, ठीक है लो, पर अब आगे फिर मत मांगना। साड़ी के आंचल से खोल से 5 रुपए का नोट निकाल कर पप्पू को दे देती है। पप्पू रुपए लेकर झट से दौड़ देता है। कुछ देर बाद वह नीली गेंद के लिए मैदान में आता दिखाई पड़ता है। उसे देखकर सोनू, गुड्डन, देवूल, टुलटुल सभी की आंखें चमक जाती हैं। अब गुड्डन क्या कह रही है, देखिए मीठी आवाज में, अरे वाह, नीली गेंद कहाँ से लाया पप्पू? पप्पू क्या कहता है, अभी अभी ला रहा हूँ हामिद अंकल की दुकान से। धीरू क्या कह रहा है, धीरू कह रहा है, ललचाया हुआ सा, गेंद तो बड़ी सुंदर है भाई, एक बार मैं क्या इसे छू लूं? पप्पू खूब जोश में, एक क्या, 10 बार छू कर देखो, मैं खेलने के लिए ही तो लाया हूं। देबू: वाह वाह वाह, आओ भाई, खेल जमेगा यह प्यारा। सारे बच्चे इतने जोर जोर से तालियां पीटकर वाह वाह करते हुए, आसपास के घरों में खिड़कियां खुलने लगती हैं। कुछ देर बाद सचमुच खेल का मैदान जमता है। गुड्डन जोर से गेंद फेंकता है, गेंद लुढ़कते लुढ़कते नाले की ओर चली जाती है। अब आगे क्या है बच्चों, देखते हैं। पप्पू घबराहट भरे स्वर से, दौड़ो दौड़ो, कहीं नाले में ना गिर जाए गेंद। गुड्डन: कैसे जाएगी, शेरू है ना? सब बच्चे एक साथ, दौड़ शेरू दौड़। शेरू के साथ साथ गुड्डन भी तेजी से पीछे पीछे दौड़ता है। पप्पू और दूसरे बच्चे भी दौड़ते हैं, मगर वे पकड़ पाए इससे पहले ही गेंद नाले में गिर जाती है। पप्पू:
रोनी सूरत बनाकर, हाय हाय मेरी गेंद तो गिर गई। अब आगे देखते हैं बच्चों, टुलटुल क्या, टुलटुल दिलासा देते हुए, शायद शेरू इस बार भी ले आए। शेरू देर तक चक्कर काटता आता है पर उसके पास गेंद नहीं होती। पप्पू उदास होकर, अब मैं मम्मी से क्या कहूंगा। गुड्डन, कोई बात नहीं, मेरी गेंद से खेल लेना, फिर दो चार दिन बाद मम्मी से पैसे मांग लेना। पप्पू, नहीं गुड्डन, अब मम्मी पैसे नहीं देगी। पप्पू उसी समय घर की ओर चल पड़ता है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। पप्पू रोता हुआ सा, मम्मी मम्मी मेरी गेंद। मम्मी प्यार से, हाँ पप्पू क्या हुआ तुम्हारी गेंद को, तुम इतना चुप क्यों हो। पप्पू बगैर कोई जवाब दिए चुपचाप खाट पर पसर जाता है, न जाने कब उसे नींद आ जाती है। उसे रात भर बस गेंद के ही सपने आते हैं, कभी गेंद उड़कर आसमान में चली जाती, कभी वह चांद बन जाती, कभी आसमान से टपक करके एकदम से सामने जमीन पर गिर पड़ती और वह पकड़ने को दौड़ता है। आगे देखते हैं बच्चों क्या है नाटक। पप्पू सुबह उठते ही दुखी होकर, मम्मी मम्मी मेरी गेंद। मम्मी, उदास मत हो पप्पू, मैं और पैसे दूंगी, तुम नई गेंद ले आना। अब नहा धोकर नाश्ता तो करो, रात कुछ भी नहीं खाया। पप्पू गहरे दुख के साथ, नहीं मम्मी मन नहीं है। मम्मी, मैं कह रही हूँ ना मिल जाएगी गेंद, इतना परेशान क्यों हो रहे हो। पप्पू, नहीं मम्मी अब नहीं मिलेगी, हाय मेरी नीली वाली गेंद सचमुच बड़ी प्यारी थी मम्मी। तब पप्पू कहता है, इतने में मम्मी दरवाजे की ओर देखती है, वहां उनका शेरू खड़ा होता है। मम्मी, पप्पू पप्पू देख उधर। पप्पू हैरान होकर, कहां मम्मी किधर, मम्मी किधर। मम्मी, उसका सिर दरवाजे की ओर घूमकर, अरे इधर नहीं उधर दरवाजे की तरफ। पप्पू शेरू के मुंह में गेंद देकर उछलते हुए दौड़ते हुए, शेरू ओ शेरू, वाह मेरे शेरू, वाह मेरे शेरू, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। पप्पू के पास जाते ही शेरू पूंछ हिलाता हुआ गेंद आगे बढ़ा देता है। पप्पू गेंद लेता और शेरू को थपथपाता है, फिर उसके बाद खेल के मैदान की ओर भागता है। पप्पू, आजा शेरू मेरे दोस्त, हम दोनों मिलकर खेलेंगे, तुम हो तो मुझे चिंता नहीं। इतने में इधर उधर से गुड्डन, सोनू, टुलटुल और सारे बच्चे निकल आते हैं, खूब जोर जोर से तालियां चिल्लाते हैं, बजाते हैं, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। पप्पू, और शेरू भी खेलेगा, इसी ने तो ढूंढी है मेरी नीली प्यारी गेंद। सारे बच्चे, हाँ हाँ खेलेगा, शेरू भी खेलेगा एक साथ। अब बच्चों पप्पू कहता है, शेरू मेरा दोस्त। सारे बच्चे, शेरू शेरू। शेरू के बीच में खड़ा करके सारे बच्चे गोल दायरा बनाकर नाचते हैं। शेरू बीच में उछल उछल अपनी खुशी जताता है। इतने में दूर से मम्मी आती हैं और खेल के मैदान का यह अनोखा दृश्य देखकर खूब खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। उद्देश्य क्या है बच्चों इस कहानी का, पशु पक्षियों से भी हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यानी कि इस कहानी में, नाटक में हमें क्या बताया बच्चों, इस नाटक में हमें बताया कि हमें हमेशा हर किसी के साथ, चाहे वो पशु पक्षी हो, इंसान हो, कोई हमारा दोस्त हो ना हो, कोई भी हो, हमें हमेशा सबके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों मुझे लगता है ये कहानी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आप भी अपने जीवन में हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आइए बच्चों अब आते हैं इसके शब्दार्थ। तो शब्दार्थ क्या है बच्चों, बरस मतलब वर्ष, मनुहार मतलब प्रार्थना, सिट पिटाकर मतलब घबराकर, नेक मतलब अच्छा, असल मतलब वास्तव में, अंकल मतलब चाचा, उदास मतलब खिन, हैरान मतलब चकित, दायरा मतलब सीमा, मित्रवत मतलब मित्र जैसा।
अब बच्चों इसकी वर्तनी देखते हैं, सुंदर बिंदी वाला लिखा है, आधा नय भी लगाकर सुंदर लिखते हैं। आगे शब्द क्या है बच्चों? आगे शब्द है हमारा जरा उर्दू, जल्दी फारसी का, दुकान फारसी का और अंकल अंग्रेजी का। तो मुझे लगता है बच्चों आप सबको ये नाटक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों इस नाटक के आधार पर आता है हमारा क्या अभ्यास कार्य। तो बच्चों अभ्यास कार्य में आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सब जानते हैं अच्छे से कि इसमें एक प्रश्न होगा, चार उत्तर होंगे और जो एक उत्तर सही है वो हमें बताना है। तो बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पप्पू 5 रुपए मांग रहा था किससे? पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से। आपको पता है बच्चों, आपने अच्छे से अभी कहानी पढ़ी है, नाटक पढ़ा है, तो इसका उत्तर क्या हुआ? मम्मी से। दूसरा देखते हैं, आजा शेरू कहाँ? पप्पू ने कहा, देबू ने कहा, गुलडर ने कहा या टुलटुल ने कहा? पप्पू ने कहा। इसका उत्तर क्या हुआ? पप्पू ने। तीसरा देखते हैं बच्चों, बाजार से नीली गेंद लाते ही पप्पू गया। घर में, मैदान में, स्कूल में, कहाँ गया बच्चों? मैदान में। तो इसका उत्तर क्या हुआ? मैदान में। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों, कुत्ता आदमी का साथी है, विश्वसनीय है, धोखेबाज परम। तो बच्चों कैसा साथी है? विश्वसनीय है। इसका उत्तर क्या हुआ? विश्वसनीय है। अब बच्चों इसके आगे आता है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न है बच्चों? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब यहाँ पे हमें पता है साइड में वो शब्द दिए हैं, जो एक उचित शब्द है वो हमें सही खाली स्थान में भरना है। तो बच्चों आइए करते हैं इसका पहला प्रश्न। नंबर एक है हमारा, ये खाली स्थान रुपए किसने काम में खर्च करोगे, 5 या 10? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? 5। दूसरा देखते हैं, खालिस्तान के साथ खेल रहा था देबू गुड्डन। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? गुड्डन। तीसरा देखते हैं बच्चों, आगे ना खालिस्तान, देना या मांगना? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? मांगना। चौथा देखते हैं, गेंद तो बड़ी खालिस्तान है, गंदी सुंदर? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? सुंदर। आगे का देखते हैं बच्चों, कहीं खालिस्तान में नह चली जाए, नाले या स्कूल? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? नाले। अब बच्चों क्या प्रश्न समाप्त होता है हमारा, हम क्या देखते हैं? खै प्रश्न। तो खै प्रश्न क्या है बच्चों? निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने गै लिखिए। पहला देखते हैं बच्चों, पप्पू मम्मी से 10 रुपए मांग रहा था, गलत। तो इसका क्या लिखेंगे उत्तर? गै। दूसरा देखते हैं बच्चों, पप्पू गेंद के लिए 10 रुपए मांग रहा था। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? गलत। तो क्या लिखेंगे? गे। आगे का देखते हैं बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या है, पप्पू नीले रंग की गेंद लेकर आया था, बिल्कुल सही। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? से। आगे का देखते हैं बच्चों, मम्मी ने गेंद खो जाने पर बहुत डांटा, गलत है बच्चों ये। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? गे। अब बच्चों इसी के साथ यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी बच्चों को ये नाटक का पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे, इस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। और बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।